कल जब मैं आ रही थी एयरपोर्ट से, तो वो पूरा वहां हमने देखा, ईडी के ऑफिस के सामने वो पूरी भीड़ थी। ये मैं जरूर कहना चाहती हूँ कि शायद इस मोदी सरकार ने जो ईडी, सीबीआई और आईटी को त्रिशूल के रूप में इस देश की संवैधानिक ढांचा पर जो अटैक कर रहे हैं, क्योंकि अटैक इसलिए मैं कहती हूं क्योंकि जो लोग बीजेपी में है, जो सबसे भ्रष्ट लोग उनके खेमे में जाते, तब तो वो दूध के धुले हुए बन जाते हैं और उनके खिलाफ कोई ईडी, सीबीआई, आईटी कुछ नहीं। लेकिन जितने भी विपक्ष के लोग हैं, जब तक वो बीजेपी के सामने साष्टांग प्रणाम नहीं करते हैं, तब तक ये त्रिशूल उनके ऊपर इस्तेमाल किया जा रहा है। इसलिए हेमंत सोरेन जी के साथ जो कुछ हो रहा है, मैं समझती हूँ और हमारी पार्टी भी ये समझती है, ये एक व्यक्ति का सवाल नहीं है, ये पूरे देश की जनवादी प्रणाली, ऑपोजिशन की रोल, ऑपोजिशन की संवैधानिक स्थान पर ही एक बड़ा हमला है और इसका हम सख्त निंदा करते हैं। दूसरी बात, आजकल भारतीय जनता पार्टी के राज में गवर्नर का पद को जिस रूप में संविधान की राजदूत की हिसाब से नहीं, लेकिन एक संकीर्ण विपक्ष विरोधी केंद्र सरकार की एजेंडा की रूप में वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आप देखिए, हर ऑपोजिशन स्टेट में, आज हर एक स्टेट में जहां ऑपोजिशन पार्टीज रूल कर रहे हैं, वहां गवर्नर का पद को इस्तेमाल करके ऑपोजिशन पार्टीज की सरकारों को अस्थिर करने के लिए पूरा जोर लगाया जा रहा है। केरल उसका जिंदा मिसाल है। रोज, अभी कभी हो सकता है कि कोई गवर्नर ये बयान दे, मुख्यमंत्री को आदेश दे कि आप वित्त मंत्री को पद से हटा दो क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं उसको। ये कौन सा तरीका है? कौन सा संविधान है? ये कौन सा धारा है? ये कौन सा कानून है? कानून का तो कोई मतलब नहीं है, संविधान का मतलब नहीं है। विपक्ष की नेतृत्व में सरकारों को अस्थिर कैसे किया जाए, उनकी विकास के कामों में बाधा कैसे पहुंचाया जाए, ये पूरे तौर पर इनका है। तमिलनाडु में अभी गवर्नर ने तमाम बिल्स को रोक लिया है। क्यों? असेंबली ने पारित किया, लेकिन वो हर सवाल पर जो है वो बाधा डाल रहे हैं। तो इसलिए ये अनिवार्य है कि संविधान बचाने के लिए और फेडरलिज्म को बचाने के लिए, जो संविधान का एक अहम खंभा है, तमाम विपक्षी दलों को एक साथ मिलकर जनता के बीच जाकर इसका सही विश्लेषण और इस सरकार को सही जवाब दे, ये बहुत अनिवार्य है। और हम उम्मीद करते हैं कि झारखंड में भी जो गवर्नर का रोल यहाँ बताया गया है, उसकी दृष्टिकोण और उसकी संदर्भ में यहाँ की जो भी मुख्यमंत्री और जो रूलिंग पार्टीज हैं, वो भी इस व्यापक संघर्ष में शामिल होंगे। और खुद ही मैं ये समझती हूं कि यहां झारखंड में तमाम पार्टीज जो बीजेपी की इस नीति के खिलाफ हैं, उनकी भी बैठक बुलाकर ये जो गलत, गैर संवैधानिक तौर तरीके हैं, सिर्फ अपने बचाव के लिए नहीं, लेकिन प्रदेश की हित की बचाव के लिए कोई इस प्रकार की राजनीतिक पहलकदमी करने की जरूरत है, मैं ये समझती हूँ। एक और बात इसमें मैं कहना चाहती हूँ, मैंने सुना कि
कि मोदी जी गुजरात में या तेलंगाना में जाकर बोले, तेलंगाना में जाकर बोले कि रोज उनको एक या दो किलो गाली हजम करना पड़ता है जो विपक्ष दे रहे हैं। मुझे लगता है कि मोदी जी थोड़े अपने मैथमेटिक्स और अरिथमेटिक में शायद थोड़े कमजोर हैं, क्योंकि अगर देखा जाए ऐसे कोई दिन नहीं है जब मोदी जी, उनके साथ अमित शाह जी, उनके साथ बीजेपी की प्रेसिडेंट और जितने भी ऊपर से लेकर तमाम स्तरों तक जो बीजेपी लीडर्स की जो भाषण है, जो वक्तव्य है, जो शब्द इस्तेमाल करते हैं, ये पूरी देश देख रहा है कि हमारे जनवादी प्रणाली की जो एक मापदंड होना चाहिए पॉलिटिकल डिस्कोर्स और पॉलिटिकल बहस की, वो एकदम नीचे चला गया। हर चीज में हिंदुस्तान का स्तर कहाँ हो रहा है वो दुनिया की तमाम चीजों में दिखाई दे रहा है। फ्रीडम ऑफ प्रेस में हम लोग बिल्कुल नीचे जा रहे हैं, हंगर इंडेक्स में हम लोग के सबसे नीचे जा रहे हैं, महिलाओं की सुरक्षा के बारे में हम लोग सबसे नीचे जा रहे हैं। अब राजनीतिक संस्कृति और भाषा में बीजेपी के जो भाषा इस्तेमाल होता है वो इतनी आपत्तिजनक है। ये भी अगर कोई इंडेक्स होता कि द स्टैंडर्ड ऑफ पॉलिटिकल स्पीच इन डिफरेंट कंट्रीज, तो बीजेपी की सौजन्य से हम बहुत ही नीचे जाते। तो इसलिए मोदी जी, मैं सिर्फ यही कहूंगी, पहले खुद ही अपने लोगों को संभालिए जो रोज गलत शब्द इस्तेमाल करते हैं, कभी अर्बन नक्सल, कभी एंटी नेशनल, कभी आंदोलन कहते हैं, आंदोलनकारी। हम आंदोलनकारी तो है ही, ये तो स्पष्ट है, आंदोलनगिरी, हम तो बिल्कुल आंदोलनगिरी है, क्योंकि अगर आंदोलनगिरी नहीं होते तो आपका आरएसएस का जो एजेंडा कैसे चलता हम जानते हैं। तो इसलिए मैं ये कहूंगी, और हेट स्पीच के बारे में भी अभी सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन है जो नफरत आधारित भाषा इस्तेमाल किया जा रहा है एक विशेष कम्युनिटी के लिए या कोई पॉलिटिकल पार्टी या नेता के लिए। इसलिए हम मोदी जी से जरूर कहेंगे कि ठीक है, आपने 40% से नीचे वोट लेकर आप अपने को विश्व गुरु समझ रहे हैं, लेकिन कम से कम हिंदुस्तान के अंदर जो बड़े संघर्षों के बाद एक पॉलिटिकल स्टैंडर्ड बना है उसको कम से कम गिराने का काम मत कीजिए, ये मैं जरूर कहूंगी। राज्यपाल को वापस बुलाने की मांग करेंगी आप? देखिए, ये तमाम राज्यपालों का, एक राज्यपाल का सवाल नहीं है। अब अगर हम केरल में देखें, वो जो राज्यपाल है मेरे ख्याल में वो रिकॉर्ड कायम कर रहा है कि रोज कुछ न कुछ सरकार के खिलाफ जो शब्द इस्तेमाल कर रहे, सिर्फ सरकार नहीं मीडिया के खिलाफ भी। इसलिए सवाल इस बात का है कि एक व्यक्ति को वापस करने का सवाल नहीं है, पूरी सिस्टम को जो भारतीय जनता पार्टी के केंद्र सरकार सबवर्ट कर रही है, उसको अंदरूनी तौर पर उसको समाप्त करने का जो पूरा प्रयास है। हमने कहा कि राज्यपाल की चुनने का जो प्रक्रिया है ये जरूर बदलना चाहिए। एक कमीशन था जो यूपीए के जमाने में वो तमाम सिफारिशें दी थी, उसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट सिफारिश थे। एक, जब गवर्नर को बताया जाएगा किसी प्रदेश में, कम से कम वहां के मुख्यमंत्री की सलाह जरूर लेनी चाहिए और ये होना चाहिए ताकि एक साथ मिलकर उस प्रदेश का काम हो। और दूसरी बात है कि डायरेक्ट जो पॉलिटिक्स में है, डायरेक्टली पॉलिटिकल जो शख्स है, उसको कम से कम एक अच्छा कूलिंग ऑफ पीरियड के बाद ही उनको वहां कोई इस प्रकार का पद देना चाहिए। तो मुझे लगता है ये दोनों सिफारिश बहुत ही प्रासंगिक है और ये लागू होनी चाहिए। 1932 पर बोल दीजिए, क्या कहना चाहेंगे? 1932 के खतियान का जहां तक सवाल है, हमारे पार्टी में यहाँ झारखंड में अभी हम लोगों ने डिस्कस किया,
ये बहुत पुरानी मांग है यहाँ, और ये मांग सही मांग है, और इस 1932 की खतियान की जो प्रूफ है ये एक आधार होना चाहिए यहाँ के निवासी का मापदंड तय करने के लिए, इससे हम बिल्कुल सहमत है। लेकिन केवल ये नहीं हो सकता है, क्योंकि झारखंड के बहुत सारे इलाके में ये जो लैंड सेटलमेंट हुआ वो बहुत देर से हुआ, और यहाँ तक कि कुछ एक बहुत बड़ा इलाका है जहाँ 1967 में हुआ, कुछ इलाके हैं जहाँ हुआ ही नहीं। इसके अलावा जो झारखंडी है लेकिन भूमिहीन है, जो दलित है या जो कोई और कम्युनिटी के है, जो बिल्कुल भूमिहीन गरीब है, उनके पास लैंड नहीं है, क्या इसका मतलब है कि वो झारखंडी नहीं है? तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट एक मुद्दा है जो ये जुड़। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।